जनपद संभल के चंदौसी में प्रशासन ने हाथरस पीड़िता के घर जा रही कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष को मंडी गेट पर ही रोका। हाथरस मामले को लेकर प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसी का असर है कि जो भी व्यक्ति हाथरस की ओर रुख करता है उसको प्रशासन अपनी हिरासत में ले लेता है। ताजा मामला जनपद संभल की चंदौसी का है, जहां पर कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष विमलेश कुमारी जब अपने समर्थकों के साथ हाथरस जाने के लिए निकली तो प्रशासन ने उन्हें मंडी समिति के गेट पर ही रोक लिया और उन्हें हाथरस नहीं जाने दिया। इस विषय में कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार चाहे कितनी भी अनदेखी कर ले, लेकिन एक दिन इस सरकार को प्रदेश की बिटिया ही उतारेगी। दरअसल आपको सबको पता है कि प्रकरण बहुत लंबे समय से चल रहा है, मनीषा हाथरस वाली बेटी। तो आज हमने जब अखबार में एक लाइन पढ़ी कि फॉरेंसिक लैब में ये सिद्ध नहीं हुआ कि वो उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, तो एकदम दिमाग में बड़ी उथल पुथल सी चालू हो गई कि सरकार कर क्या रही है। हमारी बेटियों को न्याय दिलाने की बजाय, हमारी बेटियों की सेफ्टी करने की बजाय वो मतलब आरोपियों को बचाव करने में लगी पड़ी है। इसलिए हम लोगों ने एकजुट होकर के महिलाओं को इकट्ठा किया और जो हमारी छोटी उम्र की लड़कियाँ थी, खासतौर से उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें जो है अपने बचाव के लिए, अपना सुरक्षा के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी है। तो हम आज शब्द लाभ करने जा रहे थे ताकि हम उत्तर प्रदेश सरकार का शब्द लाभ करें और ये जो सरकार की आत्मा मर गई है वो लगातार इतने अत्याचार होते हुए देख रही है जनता पर, हमारी बेटियों पर, हमें उसको जगाना था और उनकी आत्मा को मर गई है, उस आत्मा को हम उनको एहसास करा देना चाहते हैं योगी सरकार को हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हाथरस की बेटी ही नहीं, हमारी विभिन्न जिलों की जो बेटियों के साथ में भी जो है दुष्कर्म हो रहे हैं वो बेटियां अकेली नहीं हैं, जनता की जो है आवाज़ उनके साथ है, महिलाओं की आवाज़ उनके साथ है, हमारे देश की बेटियों की आवाज़ उनके साथ है। हम जो है इस देश की बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही संदेश हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देना था। हमने मौन धारण किया, उसके बाद में हमें हाथरस रवाना होना था तो प्रशासन को पता चल गया था, उन्होंने अपना पूरा जो है वहाँ सुरक्षा खड़ी कर दी और लगातार हम पर दबाव बनाते रहे कि आप लोगों को ये शव लाभ नहीं करना है। शव जैसे हमने तैयार किया उन्होंने हमारे साथ छीना झपटी भी की, हमारे साथ काफ़ी उन्होंने छीना झपटी के साथ में हमारे शव को जो है फेंक दिया, पूरा कार्यक्रम हमें नहीं करने दिया, उन्होंने हमें गिरफ्तार भी किया, हमें गिरफ्तारी 50-60 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं योगी सरकार को ये चेताना चाहती हूँ कि आप जितनी भी अनदेखी कर लीजिए लेकिन समय आ रहा है बेटियां ही आपको इस सरकार को उतार कर फेंकेंगी।